1519 में आज ही के दिन इटली के महान चित्रकार, मूर्तिकार, वैज्ञानिक और डिजाइनर लियोनार्डो दा विंची का निधन हुआ। आज ही के दिन 1885 में बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने स्वतंत्र स्टेट कांगो की स्थापना की। 1921 में आज ही के दिन ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक सत्यजीत रे का जन्म हुआ। यथार्थवादी धारा की फिल्मों को नई दिशा देने के अलावा साहित्य, चित्रकला जैसी अन्य विधाओं में भी सत्यजीत रे ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। साहित्य और बॉलीवुड में अपने योगदान के लिए सत्यजीत रे को भारत रत्न, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। 1924 में आज ही के दिन नीदरलैंड ने सोवियत संघ को मान्यता देने से इनकार किया। 1945 में आज ही के दिन इटली में मौजूद जर्मनी की सेना ने आत्मसमर्पण किया। 1950 में आज ही के दिन फ्रांस ने कोलकाता के पास स्थित अपने उपनिवेश चंद्रनगर को भारत सरकार को सौंपा। चंद्रनगर शहर चंदन नगर भी कहलाता है। 1673 में फ्रांसीसियों द्वारा बसाए और व्यावसायिक रूप से विस्तार दिए गए इस शहर पर 1757 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन 1815 में इस पर दोबारा फ्रांस का आधिपत्य हो गया। 1949 के जनमत संग्रह के अनुसार इसका भारत में विलय हुआ। आज ही के दिन 1952 में दुनिया के पहले जेट विमान डी हैविलैंड कॉमेट 1 ने लंदन से जोहानिसबर्ग तक अपनी पहली उड़ान भरी। 1955 में आज ही के दिन टी विलियम्स ने अपने नाटक कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता। 1969 में आज ही के दिन सुपरसोनिक विमान कॉनकॉर्ड ने पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। 1985 में आज ही के दिन प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार बनारसी दास चतुर्वेदी का निधन हुआ। आज ही के दिन 1986 में अमेरिका की 30 वर्षीय एन बैनक्रॉफ्ट उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बनी। 1997 में आज ही के दिन ब्रिटेन में 18 वर्षों बाद लेबर पार्टी सत्ता में आई और टोनी ब्लेयर सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। आज ही के दिन 2008 में म्यांमार में चक्रवात नरगिस के आने से 1,38,000 लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए।